हरियाणा विधानसभा में राविंदरजीत सिंह बांटेंगे टिकट, हवाबाजों की करेंगे टिकट की दावेदारी से छुट्टी, ऐरे गैरे नथु खैरे होंगे टिकट की दौड़ से बाहर, पार्टी की हवा में जीत जाते हैं ऐरे गैरे नथु खैरे। क्या विरोधियों को एक बार फिर निपटा देंगे राविंदरजीत सिंह? मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या बना रहे हैं कोई नई रणनीति? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। राजनीति में एक बड़ी ही मजेदार बात है, वैसे तो और भी कई है लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा मजेदार है, जिसे सुनकर आपको इस गंभीर खबर के बीच हंसी भी आ सकती है। वो ये है जब कोई एक नेताजी दूसरे नेताजी को गंदा, गलत, बेईमान कहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक सीन के दौरान शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ये समझकर चोट पर दवा लगाते दिखते हैं कि वो नहीं कोई और है। खैर, हंसी मजाक और बॉलीवुड के अफसानों को यहीं छोड़कर हरियाणा की गंभीर राजनीति पर बात करते हैं। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पार्टियों ने कमर कस ली है और जोर शोर से तैयारियां की जा रही, मीटिंगों का दौर जारी है, तो वहीं किस सीट पर कौन से नेता को टिकट दिया जाएगा इस पर भी मंथन चिंतन से लेकर पूरी फील्डिंग बैठाई जा रही है। इस बीच गुरुग्राम से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राविंदरजीत सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि अच्छे लोगों को चुनाव में टिकट देने होंगे, क्योंकि पार्टी की हवा में कोई भी विधायक जीत जाता है। राविंदरजीत सिंह ने कहा, हमें अच्छे लोगों को टिकट दिलानी पड़ेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अच्छे लोगों को टिकट दिलाए, पार्टी की हवा के अंदर ऐरे गैरे नथु खैरे भी विधायक बन जाते हैं। ऐरे गैरे नथु खैरे, सच में राव साहब के सॉलिड बयान के बाद बीजेपी के 40 विधायक टेंशन में जरूर आ गए होंगे कि हम में से कौन ऐरा है, कौन गैरा है और कौन नथु खैरा है, क्योंकि इनमें से जीते तो बहुत सारे हवा में ही थे। लेकिन इस बार राविंदरजीत सिंह के तलख तेवर बता रहे हैं कि वो पार्टी की जीत को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा है। इस संजीदगी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि राव साहब ने मुख्यमंत्री के सिंहासन से सरेंडर सिर्फ टरकाने के लिए किया है, असल में कहानी तो कुछ और ही है। राजनीति के भीतर का ज्ञान रखने वाले तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राव साहब टिकट बंटवारे की ज्यादा हिस्सेदारी अपने पास रखना चाहते हैं ताकि विधानसभा में उनके खाते के ज्यादा विधायक चुनकर आए और चुने हुए ये विधायक चुपके से उन्हें मुख्यमंत्री चुन ले, क्योंकि उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के कंधे पर धरकर एक बात और कह डाली कि धर्मवीर सिंह कहते हैं कि आप तो टिकट बंटवाने वालों की ऊंची कमेटी में बैठते हो, इसलिए अच्छे लोगों को टिकट दिलाना, तो इसका मतलब साफ है कि राव साहब ने ना ही अभी हार मानी है और ना ही अभी मैदान छोड़ा है। वो तो मैदान के नीचे कुछ नए वाला करंट तैयार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि राजनीति में सारी नीति राज के लिए लगाई जाती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें और हरियाणा की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई इसी तरह की और खबरों को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपके प्यार और साथ की जरूरत है, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।